कोयल जंगल में आग लगी थी, ठीक है, तो कोयल अपनी चोंच में पानी लेकर के जाके जंगल में डाल रही थी और वो कौवा जो है सामने बैठ के हंस रहा था, वो कौवा आप ही थे तो हंस रहा था, तो पूछ रहे ये कोयल तुम मुझ पे हंस क्यों रहा है, तो बोल रहे कि मेरे कौवा बोलता है कि मुझे पता है कि तेरे इस चोंच में पानी डालने से जंगल की आग बुझ नहीं सकती, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो कोयल ने कहा कि देख मेरे को भी पता है कि मेरे चोंच में पानी डालने से ये जंगल की आग बुझ नहीं सकती है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा, वो कौवे हो तुम। अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम बैन करना होगा। लोकतंत्र से क्या लेना देना है? जब ईवीएम हटेगा तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा, जब संविधान बचेगा तो हमारे बच्चों का शिक्षा रोजगार बचेगा। और आज अगर नहीं हमने सवाल उठाया तो कल हमारे बच्चे क्या कहेंगे, पापा कहाँ सोए हो? बोले यहाँ। दो लात मारेंगे सर और उठाएंगे, बोलेंगे उठ, जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी तब तू क्या कर रहा था? तो जवाब नहीं होगा किसी के पास, इसलिए हम उस लात खाने के डर से अपने बच्चों के कम से कम सवाल तो उठा। आप सत्ता में आते हो उस जगह जो है ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ हार जाते हो फिर ईवीएम। देखिए मैं मैंने कभी भी ये नहीं कहा ईवीएम कोई, हमने ईवीएम का विरोध किया है। जब एक चुनाव आयोग एक जो कि लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एक संस्था है, अगर उस पर हम जनता अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो हमें विश्वास दिलाने का कर्तव्य होता है संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग का। और चुनाव हम जनता मांग कर रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, तो आप जबरदस्ती जो जब मैं गुटखा नहीं खा रहा हूँ जबरदस्ती आप मुझे गुटखा खिलाना चाह रहे हो, जब मैं बैलेट पेपर से वोट चाहता हूँ आप जबरदस्ती ईवीएम से वोट करा रहे हो। भाई बता रहे हैं कि ईवीएम में कोई कसूर नहीं है, मोदी जी इतने पॉपुलर है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मोदी जी इतने पॉपुलर है ना, तो मोदी जी को ये पूछिए कि जो 20 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे थे 2019 में, आंकड़ा है डेटा है कि 2019 में गरीबी रेखा से नीचे जो समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े थे वो 20 करोड़ थे। अब मोदी जी ने 2019 से अब तक में 80 करोड़ में ला दिया, इनसे सवाल करो आप जाके क्यों नहीं करो। और सबसे बड़ी बात है आपके गुर्दे में दम नहीं है, जाके प्रधानमंत्री से सवाल करो। आप माइक लेके सलीम के पीछे भागते हो, अरे मेरे भाई आपके गुर्दे में दम होना चाहिए। भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया देश में, क्या भव्य राम मंदिर का हो गया अगर वहाँ पर, तो उस राम मंदिर की सीढ़ियों पर आप जाके भीख मांगेंगे और वो दिन दूर नहीं है। क्यों मालूम है क्या, यूट्यूब के कंटेंट सबके नहीं चलते हैं मेरे भाई, ये दिन आपका नहीं चलेगा ना, तो जो मुझसे सवाल करने वाले हैं ना वो भीख मांगेंगे सीढ़ियों पर, हम तो नहीं मांगेंगे। हम कलाकार है, कला हम कहीं भी कमा लेंगे, और तुम भीख मांगोगे तो कम से कम अपना ही मुद्दा हो जाएगी 24 में, चोरों की दुकान बंद हो जाएगी 24 में। देखिए ऐसा कह रहे हो, ये देखो कौन चोर है, तुम चोर का नाम लिए दिखाओ, इससे बड़ा चोर कौन है? उल्टा कर दिया ये तो आपने, चौकीदार ही चोर है, गंगाधर ही शक्तिमान है मेरे दोस्त, खाली वो दांत निकाल के गंगाधर आता है ऐसा तो मत समझो, गंगाधर ही शक्तिमान है। और जिनको अमित शाह मोदी जी कह रहे हैं चोर, फिर वो कौन है? कौन मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि इन दोनों से बड़ा चोर कौन है? अरे चोर इकट्ठे हो गए, यही तो चोर है, चोरों के सरदार है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ भैया, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार किसको किया? मुझे, मेरे को किया था, विपक्ष को किया था। वो तो कह रहे विपक्ष नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार किसे किया था वो बताओ, अमित शाह। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे ये बात? पर अब तो वो कह रहे हैं कि सारे चोर, अरे उनके कहने से क्या होता है, अब जो जज जाहिर है वो क्या थे ये बताओ, जैसा ने कौन सा बैटिंग किया था? काबिल आदमी है ना, दवायर, दवायर ने 50,000 से 80,000 80 करोड़ रुपए कैसे बना, वो खाली दवायर ने एक्सपोज कर दिया, तो दवायर के ऊपर भी आ गया
आपको मालूम है ना पेगासस सॉफ्टवेयर दवायर के जो दवायर है उसके जो एडिटर इन चीफ है उनके ऊपर भी मोहा मोहिता पर भी अलर्ट दिया था ना आईफोन ने कि आपके आईफोन में कोई सॉफ्टवेयर डाला गया जिससे जासूसी हो रही है। ये बात गलत है, बाहर देशों के अखबारों में छपा लेकिन तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं था कि तुम अपने देश के मीडिया में तुम बता देते। ईवीएम जो बैन की याद आई आपको चुनाव के बाद क्यों आ रही है जब अब 24 का चुनाव? अरे चुनाव करीब है इसलिए आ रहा है क्योंकि ईवीएम की नाजायज पैदावार है ये सरकार। तो 2019 में उन्होंने बोला तो था, पार्टियों को चैलेंज किया था कि आओ इसको हैक करके दिखाओ। अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आता, जैसे ईवीएम पर मुद्दा गरमाता है तो भाजपा ही आकर सफाई देते हैं, चुनाव आयोग गायब हो जाता है। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि आओ सामने। अरे चुनाव आयोग कहाँ से आ जाएगा, एक बार वो चुनाव आयोग ही तो चुनाव आयोग है। कम से कम पान वाला भी पूछता है भैया चुनाव कितना लगाना है, पर ये चुनाव आयोग तो हमसे पूछ भी नहीं रहा है और धड़ाधड़ चुनाव लगा दे रहा है, समझे क्या? क्या लग रहा है 24 में कैसे रोकने का क्या प्लान है आपको? लग रहा है ईवीएम रुकेगी? तोते की जान ईवीएम में ही है ना। अच्छा तोते को मारोगे कैसे? तोते को मारेंगे धनुष से। है धनुष कहाँ है, किसके पास है? अरे यार मेरे भाई ये गाना है छठ पर गाना है धनुष से सुगा मारने का तोता, मैं वो बोला। देखो आपके कहने से ईवीएम बंद हो जाएगी, इतने करोड़ की आबादी है उसका। हमारे कहने से नहीं है, करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं क्या है ये भांग पे क्या है, क्या सवाल करते हो यार? तुमने पत्रकार बनो यार, सब छोड़े हुए आदमी है। अमित शाह का ब्रो छोड़े हुए आए हैं, मोदी का ब्रो तो बोलते ना सब प्रीपेड आदमी है, प्लांटेड आदमी। तुम कितना लिए हो यहाँ? अरे तुम कितना लेते हो कितना लिए? अच्छा से आप दिल्ली में आयो, हम तो आपकी बात उठा रहे हैं। अरे हमारी बात क्यों उठा रहे हैं, हम तो मजलूम थोड़ी है। अच्छा हम तो लोगों की बात कर रहे हैं। जो भी सत्ता, अगर देश नहीं रहेगा तो हमारा जो आवाज सत्ताधारियों के खिलाफ जा रही है उस आवाज को कहीं ना कहीं बंद करा दिया जाता है। आप भी वायरल हो रहे हैं? नहीं हम आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो आप ही करवाएंगे क्योंकि आपसे बड़ा चोर निकम्मा कोई नहीं है। आप तुम हम तो अरे दलाल हो यार तुम, बात सुन तुम हमें क्या बताओ? गोदी मीडिया कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तुमको कह रहे हैं क्यों? जो अभी आपने मुझे डराने वाली सवाल किए ना तो दलाल नहीं हुए, जनता पर कैसे डरती है? सवाल पूछो, जनता सवाल तो पूछा जाएगा। जनता प्रधानमंत्री से डरती है क्या? आप बताओ, आप सवाल करो तो आप दलाल बोलते हो, मीडिया पूरे दिन दिखाती है आपकी बात। आपने तो मुझे शाहिद कपूर की याद दिला दिया, वो बोलता है फा को फा ना कहे तो लॉ कहे क्या, तो चोर को चोर ना कहे तो साहूकार कहे क्या? अच्छा ये बता दो अब 2024 में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला? 2024 में खेला होगा और ये जो फकीर है वो झोला उठाएगा और हम जनता दौड़ा के झोला चेक करेंगे और पकड़ा देंगे। जाओ कलीम सेठ जी, 544 सीटों पर सारी ओपे अपने बहुमत बता रहे हो, कह रहे सब जीत जाएंगे। जब जिसका गठबंधन ही चुनाव आयोग से हो तो कोई भी दावा करे उसमें कोई बुराई नहीं। तो तुम विपक्ष क्या करोगे अब? हम गुहिया छिलेंगे। कहाँ पे छिलोगे बताओ ना? यही बैठ के जंतर मंतर पे, उससे कुछ होगा? देखो आगे गुहिये की खेती लगाए हमने, नहीं वही छिलने की बारी आने वाली है। करने से कुछ होगा आपके? कुछ होगा विरोध करने से? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। कम से कम देखिए चिड़िया कोयल का मालूम है ना, कोयल जंगल में आग लगी थी तो कोयल अपनी चोंच में पानी लेकर के जाके जंगल में डाल रही थी और वो कौवा जो है सामने बैठ के हंस रहा था, वो कौवा आप ही थे तो हंस रहा था, तो पूछ रहे है कोयल तुम मुझसे हंस क्यों रहा है? तो बोल रहे कि मेरे कौवा बोलता है कि मुझे पता है कि तेरे इस चोंच में पानी डालने से जंगल की आग बुझ नहीं सकती, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो कोयल ने कहा कि देख मेरे को भी पता है कि मेरे चोंच में पानी डालने से ये जंगल की आग बुझ नहीं सकती है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। वो कौवे हो तुम।